भरी है, पूरा फैला दिया है। मैं इसलिए सारी चीजें इकट्ठा कर लेती हूँ ना कि बार बार इधर उधर भागना ना पड़े। आटा भी रख लिया, सब्जी भी रख ली, सब। सारा मसाला डाल के मिर्ची विर्ची डाल के रख दी है। यहाँ पर पालक का आटा लगा दिया है, सिंपल आटा लगा दिया है। यहाँ पर पालक आलू की सब्जी बन गई है। बर्तन नहीं, कुकर में धो रहे हो, धुल मत बोलो। कुकर में आलू वालू बॉइल किए ना, पालक तो गंदा हो गया था। तो ये लोग क्या चावल भी खाएंगे, इनके अंदर से तो होता नहीं है, तो इसलिए मैंने थोड़े से रख दो, साइड हो जाएंगे, तो ये कुकर धो के रखना है। वैसे खंगाल की रख देती, मुझे याद भी रहा, मैंने सिंक में डाल दिया था। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आलू अलग कर लिया है अयान के लिए, क्योंकि मिर्ची वाला नहीं खाता, चाहे पराठे हो या कचौड़ी हो। मतलब लाल वाली तो पड़ी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, हरी वाली मिर्ची नहीं खा पाते हैं बच्चे, और हरी वाली मैं ज़्यादा भी डालती हूँ थोड़ी सी, तो इसलिए मैंने अलग कर दिया है। और बाकी की मैं ये मिर्ची वाली भर दूँगी। तो बस यहाँ पर मैं कचौड़ियाँ भर के पहले सेक लेती हूँ, और क्योंकि त्यौहार है तो मैंने कहा कुछ बना दूँ। वैसे तो जल्दी जल्दी सीधा सादा ही खाना बन पाता है, तो ये लोग भी नहीं खा पाते हैं मेरी वजह से, तो मैंने कहा नहीं त्यौहार है तो कुछ ना कुछ तो बना दो, ज़्यादा कुछ नहीं। तो तो आलू पालक की पीस के सब्जी मैंने पहले ही बना के रख दी है, चावल भी रख गए हैं, पूजा इन्होंने कर ली थी। बस गरम गरम मैं यहाँ कचौड़ी सेक ले रही हूँ, और साथ में थोड़ी सी पूड़ी सेक लूँगी। तो बस ये हमारा लंच रेडी हो गया है, ये देखिए। तो मीठा कुछ बनाया नहीं है, तो पूड़ी, पालक की कचौड़ी, पालक आलू की सब्जी, दही, चावल भी बन गया, जैसे लेना वो ले लेंगे। ये देखो, पूछ रहे थे क्या क्या बनेगा, ले चलो है, चावल रखने हैं अभी, का भरपूर सब कुछ बना लिया है। हाँ, कचौड़ी अच्छी नहीं लगी आपको? दोस्तों ये है मक्खन, ये मुझे बहुत पसंद है खाने के साथ में, रोटी के साथ खाने में, ये चावल वगैरह खा रही हूँ तभी मुझे अच्छा लगता है। और मक्खन होता ही इतना सॉफ्ट है, लेकिन मैं बचपन से सोचती आई हूँ कि काश मक्खन की तरह मेरी स्किन भी सॉफ्ट हो पाती। नवरात्र है तो मैंने ये वाली साड़ी पहनी है बहुत दिन के बाद में, ये देखिए। लेकिन मक्खन जैसी स्किन कैसी होगी, चलिए फटाफट से मैं वो भी बताती हूँ। तो सेम मक्खन जैसी स्किन पाने के लिए मेरे पास है एनवाइवे का 3-in-1 फाउंडेशन, क्योंकि इसमें एक फाउंडेशन में तीनों चीज़ें हैं, प्राइमर भी है, सीरम भी है, फाउंडेशन भी है, और ये बहुत ही इजीली आपकी स्किन में ब्लेंड हो जाता है। क्योंकि आप दूसरे कोई फाउंडेशन लगाते हैं तो वो ड्राई हो जाते हैं, पैची हो जाते हैं, उनको ब्लेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये देखिए कितने आसानी से इसको ब्लेंड कर सकते हैं, ये देखिए, बहुत ही आराम से एकदम मक्खन जैसी सॉफ्ट स्किन हो जाती है, एकदम ग्लोइंग स्किन हो जाती है, और किसी भी सीजन में लगाओ इसे बिल्कुल भी स्किन पैची नहीं लगती है, बहुत ही आसानी से देखिए ब्लेंड हो गया और स्किन में एक अलग ही ग्लो दे रहा है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे स्टॉप क्रीम को लगा लिया अपने हाई पॉइंट्स पे, इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, और बहुत ही फटाफट से ऐसे मेकअप हो जाता है, आपको ब्लेंडिंग में ही टाइम लगता है, इसमें ऐसा कुछ करना नहीं। उसके बाद मैंने यहाँ पर मस्कारा लगा लिया है और थोड़ा सा आई लाइनर लगा लिया, मैंने ब्लू साड़ी पहनी है तो इसलिए मैंने ब्लू कलर का लाइनर लगाया है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर डार्क लिपस्टिक लगा ली है, बस बिंदी लगा ली और मेरा मेकअप कम्प्लीट हो गया। आप खुद देख सकते हैं, लग रही ना एकदम मक्खन जैसी स्किन, आप धूप में भी देखेंगे, धूप में क्लियरली लाइट नहीं आती, फिर भी आपकी स्किन वैसी ही ग्लो कर रही है। तो दोस्तों आप भी अपने फेस पे मक्खन जैसा ग्लो लाने के लिए वाइवे का 3-in-1 फाउंडेशन मंगवाना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। साथ में मैंने अपने टैग प्रोडक्ट में टैग भी कर दिया है इसे। बहुत कोल्ड ड्रिंक पीने लगा है लड़का है, चलो पूजा करो, चल के शाम हो गई है। इसको पहले ये कोल्ड ड्रिंक कुछ नहीं जानता था लड़का, ये कोल्ड ड्रिंक कैसे पीते हैं, क्या है, इसको पसंद भी नहीं थी, फिर भी नहीं लेता था, कुछ भी नहीं खाता था, कुछ भी दो ना दे मना कर देता था, लेकिन अब इसे क्या धीरे धीरे टेस्ट पड़ने लगा। ये मुझसे कहते भी थे कि वो अपने आप सब खाने लगेगा, तुम फालतू उसके पीछे पड़ी रहती हो। तो अब भले ही उसकी बॉडी में लगता नहीं है, वो सूखा सा रखा है, लेकिन वो क्या है कि इंटरेस्ट लेता है चीजों में, जो चीज हम लोग पहले इसको जबरदस्ती देते थे ना वो नहीं लेता था पहले ना, क्या पहले नहीं लेता था हम जबरदस्ती देते थे तो।
पहले नहीं लेता था ये, भाग जाता तो मुंह बंद कर लेता था, दोनों हाथ ऐसे लगा लेता था मुंह, जबरदस्ती ना खिला पिला दे। अब तो इसका बस चले तो दिमाग भी खा जाए का। लेकिन उसके शरीर में लगता ही नहीं है, नहीं चल पाता उस चीज़। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि पतला है, पतला होता है, पतला है, ऐसा नहीं है, उसके शरीर में लगता है। कभी कभी बच्चों के शरीर में लगता है, कभी नहीं लगता है, उस टाइम उसके नहीं लगता है। अभी करेंगे, अगर हमको ये पता चल जाए कि जो नहीं लगने वाला कभी कब आता है, वो लगने वाला कभी कब आता है, तो दुनिया की जिंदगी इतनी आसान है। और तुम अपना बता दो, सब पूछे कौन सा टेंशन में सूखते जा रहे हो। हैं एक्चुअली मेरे को टेंशन है ही नहीं, आदमी टेंशन में मोटा होता है। टेंशन होती है तो मोटा हो रहा होता है। सही बता रहा हूँ। तो चलिए, का दिन में तो आज त्योहार था तो अच्छा अच्छा बन गया था, शाम को हल्का फुल्का बनेगा खाना संध्या करके, तो बस ऐसे ही कुछ रहा आज का दिन। जिस दिन की छुट्टी होती है दिन पता ही नहीं चलता कहाँ चला जाता है मेरा, क्योंकि उस दिन खाली रहती है, काम सारे मैं करता हूँ और ये सो जाती है, तो इनको दिन का पता नहीं चलता, बट मुझे बहुत चलता है। मेरे को पता चलता है कि आज मेरी छुट्टी थी। एक कमेंट जो है घूम फिर के, मैं अपनी स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी से पढ़ती आई हूँ, मतलब एक दो ऐसे कमेंट, लेकिन मतलब कभी कभी पढ़ लेती हूँ, कभी छोड़ देती हूँ, मतलब दिमाग नहीं लगाती ज्यादा। कई बार आप लोग कहते हैं ना दी आप रिप्लाई क्यों नहीं करते हो, तो कभी कभी रात के रिप्लाई कर देती हूँ, लेकिन एक दो ऐसे कमेंट मिल जाते हैं ना जिससे आपका थोड़ा सा मूड खराब हो जाता है, तो इसलिए पढ़ती नहीं हूँ। कि इस एज में आप प्रेगनेंसी मतलब कर रहे हो, बच्चा पैदा कर रहे हो, शर्म नहीं आती? तो मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, मेरे को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है। अगर आपको आ रही हो तो मुझे नहीं पता, बट अभी मुझे आ रही है यार। नहीं, मुझे तुम्हारी सोच पे आ रही है शर्म यार। कमेंट से मतलब अफेक्ट क्यों हो रहे हो यार? हैं तुम यार, अगर आप यूट्यूब पे हो तो फिर आपको ये चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, ये जो ट्रोलिंग है। इवन आप अपनी बात कर रहे हो, इवन जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं या सेलिब्रिटीज हैं, है ना, चाहे वो विराट कोहली है, चाहे वो इवन हार्दिक पांड्या का इतना ट्रोलिंग हो रहा है इस टाइम पे, है ना, तो वो सबका होता है। जो मतलब ये फील्ड ही ऐसा है, ठीक है, जो लोग आपको कमेंट करते हैं वो सिर्फ अपना टाइम पास कर रहे हैं, वो इंटेंशनली दे डोंट इंटेंड टू डू दैट, मतलब इंटेंशनली ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब वो भी उस उम्र में आते हैं तो वो भी मतलब माँ बनते हैं या जो भी है, अगर लेडीज हैं तो वो भी माँ बनती हैं, तो ऐसा ये तो बहुत नॉर्मल एज है। उसमें आजकल तो शादियां भी लेट होती हैं, तो मुझे शर्म इस बात पे नहीं आ रही, मुझे शर्म आ रही है कि रमा तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो उस चीज को लेकर, शर्म मुझे इस बात पे आ रही है। अच्छा, तो औरत नहीं हो ना, तुम्हें भी फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, ऐसा क्या है, सारी शर्म हो, लिखने का लहजा गलत होता है कि शर्म नहीं आती है, अरे तो उनके हाथ है, वो अपना टाइम दे रहे हैं, बताओ इतनी मेहनत कर रहे हैं वो किसी कमेंट को लिखने में, उनका टाइम जा रहा है, उनके हाथ हैं, उनका जो नेगेटिव थिंकिंग है उनकी जा रही है, तुम्हारा क्या नुकसान हो रहा है? और मैं सच बता दूं, अगर मेरी सच में ही ओवर एज हो जाती ना, मतलब होती नहीं एज ना, मतलब अभी प्रेगनेंसी की एज ही नहीं होती ना, तो पहली बार तो कंसीव ही नहीं होता है, तो नेचुरल ही होता है। तो ये आपने कह के क्या साबित कर दिया कि आपकी उम्र 50 साल नहीं है, मतलब क्या साबित कर दिया कह के? तुम अपना, तुम जितना जस्टिफाई करने की कोशिश करती रहोगे करती रहोगे उतना ज्यादा फिर यू नो मजा आता है ना बात करना। सो डोंट गिव एनी जस्टिफिकेशन यार, ये तो क्या नॉर्मल एज है। और आपको कितना एज है आपका अभी? हैं क्यों बताऊं, कितना एज है तुम्हें पता है? मेरी जन्म तो मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ ना। बदतमीजी की इस हद तक उतर आते हैं तो अपने हस्बैंड की अम्मा लगती हो, बेटा है तुम्हारा, अब तो ऐसे औरतें होती कौन लिखता होगा, मेरे को समझ में नहीं आती। ठीक है यार, मैं तो कह रहा हूँ कि आप जो भी लोग लिखते हो वो लिखते रहिए, और हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब लिखते हैं आप लोग ऐसा जो भी आप लिखते हैं कि जो उम्र के बारे में, कि उम्र ज्यादा है या शर्म आनी चाहिए फलाना ठिकाना, तो उस पर मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि आप लिखते रहिए, क्योंकि हम तो आपको कोई सजा दे नहीं सकते, तो यही आपकी सजा है कि आप लिखने में अपना समय खराब करिए, क्योंकि बट मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है क्या करना, तो मेरे मन में उनके प्रति कोई नफरत भी नहीं होगी, क्योंकि वो सब नॉर्मल चीज है, लोग टाइम पास कर रहे हैं यार, सब करते रहिए टाइम पास। और पूछते तुम्हारा बड़ा बेटा कहाँ है, छोटा बेटा आया घर पे, बड़ा बेटा ऑफिस गया। हालांकि ये कमेंट इनके लिए तो नेगेटिव है, बट मेरे लिए पॉजिटिव है, लेकिन मेरे लिए भी नेगेटिव कमेंट आते हैं या आए फ्यूचर में,
तो मेरे अंदर कोई हेट्रेड नहीं है आपको लेके, ना कोई दुर्व्यवहार ना है, ना कोई नफरत है, कुछ नहीं है।